अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सबके? तो गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम है, मैंने ब्लॉग का स्टार्ट किया और यहाँ पे उस्मान रेडी हो रहे थे। मुझे इतने सारे कमेंट्स आते हैं ना, मैसेजेस आते हैं, उस्मान भाई को क्यों नहीं दिखाती हैं, उनके साथ व्लॉग क्यों नहीं बनाती हैं। तो उसका रीज़न मैं काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ कि आजकल वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं और अभी वो रेडी हो रहे थे तो मैं उनकी वीडियो बना रही थी, इसलिए वो हंस रहे थे अभी। तो मैंने कहा उस्मान, इतने ज़्यादा सब पूछ रहे होते हैं कि आप क्यों नहीं आते व्लॉग्स में, तो वही अभी हंस रहे थे हम दोनों। खैर जी, उस्मान अभी जा रहे हैं, सुबह का टाइम है, मैंने कहा चलें जी आपके साथ मैं शेयर करूं। वैसे तो इतनी भाग दौड़ लगी होती है, मैं वीडियो बनाती हूं और व्लॉग जो है ना वो बहुत ही कम ऐसे होता है कि मैं कुछ सोच के बनाऊं। तो मैं शुरू से, मुझे व्लॉगिंग इसी तरह से करना अच्छा लगता है जो रियल लाइफ होती है और आप सब पसंद भी करते हैं, थैंक यू सो मच। तो बस जी, उस्मान रेडी हो गए और अभी वो निकल रहे हैं और आज माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। उस्मान चले गए हैं और ये मैंने मंगवाई थी अमेज़ॉन से उस्मान के लिए क्रीम। अच्छा, ये क्रीम जो है ना मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, एक तो मेरे सांस फूल गए, मैं भाग भाग के नीचे से ऊपर आई। अच्छा, ये जो है ना सीरम क्रीम है, ये बहुत अच्छी है। उस्मान की स्किन जो है ना वो ऑयली है, नॉर्मल टू ऑयली है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी है। और ये मेरे ख़्याल में चौथी पाँचवीं है जो मैं मंगवा चुकी हूँ, अमेज़ॉन से ऑर्डर किए हैं, हर जगह से मिल जाती है। तो मैंने सोचा चले मैं आपको भी दिखाऊं, उनके लिए ना ये बहुत बहुत अच्छी काम करती है, उनकी स्किन पे बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट आता है। तो ये बस अभी ओपन किया है, अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी, मेरे सांस सही नहीं हो रहा इतना मैं भाग के आई हूँ ना। तो खैर, मैंने सोचा मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ, अगर आप भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। प्राइस इसकी मुझे याद नहीं है, सम टाइम ऑफ़र में लग जाती है, सम टाइम नहीं होती है, लेकिन ये है कि लेती रहती हूँ मैं उनके लिए। अभी मैंने दो बॉटल्स इसकी खाली जो है ना फेंकी हैं और ये वाली अभी उस्मान ने ओपन की है, काफ़ी अच्छी है। आज ना बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है, हालांकि सुबह को, ये देखें, सुबह को माइनस पे था टेम्परेचर, लेकिन अभी बहुत ही प्यारी धूप निकली। तो मैंने ये वाली विंडो ओपन की, मैंने कहा चलो जी थोड़ी सी हवा लग जाए, क्योंकि ना जितना भी डिह्यूमिडिफायर लगा लूँ या कुछ भी तो फिर भी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, लेकिन फिर भी ये देखें यहाँ पे इस घर में बहुत ज़्यादा मोल्ड का प्रॉब्लम है, बहुत केयर करती हूँ मैं। लेकिन खैर, धूप अच्छी निकली हुई है, इसको मैं साफ़ कर लूँगी ज़रा, मैंने कहा हवा लग जाए, धूप लग जाए और हमारे आज बिन जाएंगे। अभी सुबह से ही लोगों ने निकालना शुरू कर दिए हैं, हम वैसे शाम को निकालते हैं, मतलब शाम से पहले निकालते हैं, लोगों ने निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। खैर जी, ये है हाल और ये है मौसम का हाल, कोई पता नहीं चलता, किसी टाइम भी बारिश स्टार्ट हो जाए, बादल आ जाए, लेकिन अभी मुझे तो धूप बहुत माशाल्लाह से अच्छी लग रही है और ये ड्राई भी हो गई हैं। इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये वाली विंडो भी, हवा जितनी लगती है ना अच्छा होता है, यहाँ पे बहुत कम ही धूप देखने को मिलती है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और ये मैंने कपड़े जो वॉश किए थे रात के टाइम, तो काफ़ी देर तक डिह्यूमिडिफायर चलता रहा था और इस वजह से काफ़ी ड्राई हो गए हैं। तो जो जीन्स या मोटे कपड़े होते हैं ना वो मैं इस तरह से यहाँ पे डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं होते, एक दो उस्मान के होते हैं, तो ये जीन्स थी मोटी तो ये फिर गीली रहती, बहुत टाइम लगता है। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया, ये भी आलमोस्ट ड्राई हो गई है। और ये वाले जो है ना, ये इनमें हल्की हल्की नमी है, इंशाल्लाह शाम तक हो जाएंगे ये भी ड्राई, या डिह्यूमिडिफायर लगा दूँगी। और इस रूम की विंडोज़ तो मैंने अभी नहीं खोली, लेकिन ये है कि धूप यहाँ से भी आ रही है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी ये पड़ी होती हैं सारी कॉस्मेटिक्स वगैरह और ये क्रीम्स, तो ज़्यादा विंडो खोलती हूँ ना तो यहाँ पे धूप आती है या इधर आती है, तो इस वजह से फिर मेरी कोशिश होती है इसको मैं उस टाइम पर ओपन करूँ जब धूप डायरेक्ट इस तरफ ना आए। तो अभी ये बंद है, लेकिन ये है कि धूप लगती रहेगी, हीट थोड़ी सी आ रही है, वैसे भी कोई पता नहीं चलता कब चली जाए। बाकी ये ब्रश मैंने किया था, निकला हुआ है, इसको भी रखना है, तो बाकी ऐसा कोई फ़िलहाल काम नहीं है। तो मैं जल्दी उठ गई थी, अभी जो है ना मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, फिर उस्मान आएंगे तो बाकी रूटीन शुरू होगी इंशाल्लाह। ये मैं लेकर आई थी और अभी ना मुझे एक्चुअली चाहिए थे कुछ कैचर्स और कुछ चीज़ें, तो मैंने कहा पहले मैं देखूँ तो सही क्या क्या लेकर आई हूँ, और समटाइम बिल्कुल ही भूल जाते हैं हम क्या क्या लेकर आए हैं। पाकिस्तान से भी मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी जो कि अभी तक मैंने ओपन ही नहीं की आपके साथ, बल्कि मैंने शेयर ही नहीं की। कुछ चीज़ें मैंने शेयर की थी, कुछ किचन की शॉपिंग, कुछ खाने पीने की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी पैक रखी हुई थी। अच्छा, मैं ना बहुत सारी चीज़ें जो लेकर आई हूँ ना वो मैंने ख़रीदी नहीं है, मेरे पास बिल्कुल जो नई रखी हुई थी ना, क्योंकि आपको पता है मैं जब यूके मूव हुई थी, शिफ्ट हुई थी,
तो बहुत ही जल्दी में सब कुछ हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें नई रखी हुई थी, दे दिला के भी उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वैसे ही नई थी, तो मैंने रख दी थी कि चलो आती जाती रहूँगी तो मैं ले आऊँगी। तो वही बस मैं अभी सारी जो है ना देख रही थी और समेट रही थी। और अभी है जी रात का टाइम, एक्चुअली उस्मान जब आए तो फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए, बल्कि उससे पहले मेरी मदर इन लॉ की कॉल आ गई थी, उनसे मैंने काफ़ी लंबी गपशप लगाई, फिर मैं सो गई। तो आज हमारा खाना भी थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ी सी रूटीन हमारी ऐसे ही चल रही होती है। तो अभी मैं बना रही हूँ उस्मान की पसंद से जी, आज बन रहे हैं यहाँ पे जो KFC स्टाइल के राइस होते हैं ना वो बन रहे हैं, मैंने अभी कुछ दिन पहले बनाए थे तो आज उन्होंने मुझे दोबारा कहा कि बना के दो। तो मैंने एक टीस्पून ले लिया चिकन पाउडर का, इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है और पानी डाल के इसको मैं एक मिक्सचर सा बना लूँगी। ये आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैंने कहा चलो आज रूटीन का हिस्सा है तो ये शेयर कर देती हूँ। तो ये अभी मैं बना रही हूँ। और आजकल पता है मेरे साथ क्या होता है कि मैंने कल भी इस तरह से किया कि व्लॉग बना के लगा दिया और मैं शेयर करना भूल गई, और फिर मैं बिज़ी हो जाती हूँ या मेरी रूटीन थोड़ी सी ऐसे होती है कि मुझे लगता है कि शायद मैंने व्लॉग शेयर कर दिया है, और फिर मैंने 2-4 घंटे के बाद देखा तो व्लॉग शेयर ही नहीं हुआ था, पब्लिक नहीं हुआ था। अपलोड मैं कर देती हूँ लेकिन पब्लिक करना मैं भूल गई थी, तो मुझे इतना अफसोस हो रहा था। और आजकल ना मैं इसी तरह से कर रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है, खैर कोशिश पूरी कर रही हूँ। आप सबको पता है मैंने जब से व्लॉगिंग शेयर किया है, व्लॉगिंग जो है ना वो मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ और दिल से करती हूँ, और इसलिए मुझसे जब भी कोई पूछता है ना तो मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि आप जब यूट्यूब पर आते हैं ना, ठीक है पैसे तो हर कोई यही बात सोच के आता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है, और जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होता, आपका दिल नहीं होता ना, आप काम नहीं कर सकते। और उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे ज़रूरी है ना वो आपकी कंसिस्टेंसी है कि आप रेगुलर रहें, तभी जो है ना ये चीज़ें काम करती हैं। व्यूज़ अप एंड डाउन चलता रहता है, आपकी जो अर्निंग होती है वो भी अप एंड डाउन चलती रहती है, तो ये चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप जब इंजॉय करते हैं तो ज़ाहिर है आपके व्यूअर्स भी इंजॉय करते हैं और उनको भी अच्छा लगता है, थोड़े हों ज़्यादा हों जितने हों, लेकिन है कि साथ जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। मैं तो इसी तरह से चलती हूँ और मुझे खुद मज़ा आता है, मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं जो भी होता है मैं उनका रिव्यू करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ, अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने आपके साथ काफ़ी बार शेयर किया कि मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, मैं एक ही हूँ, तो इसलिए जब मैं आपके साथ जुड़ती हूँ, बातें करती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको चिकन दिखा रही थी, राइस मैं शेयर कर चुकी हूँ, होगा तो मैं वीडियो का लिंक भी दे दूँगी आपके साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, आप देखिएगा। तो यहाँ पे केचप जो मैं लेकर आई थी, ये भी मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, पाकिस्तान में भी मैं इस तरह से जो आते थे ना बाहर से खाना मंगवाते थे तो मैं बॉक्स भर के रख देती थी, इतने तो नहीं खाए जाते, तो सम टाइम ये होता था कि अभी भी ऐसे करती हूँ, उस्मान को दे देती हूँ लंच में, या फिर ये होता है कि घर में ही बना के कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो बस ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे, मैंने कहा चलो ये भी मैं आज बना लेती हूँ, और ये बहुत मज़े के बनते हैं। फ्रोज़न चिकन अगर आपके पास रखा हुआ है ना इस तरह से, तो आप जल्दी से बना लें और इन्जॉय करें, और इतना जल्दी बनता है। और मुझे तो खैर आज उस्मान ने फरमाइश की थी कि मुझे बना के दो। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, काम तो सारे हो गए, यहाँ पे ना मैं अभी किचन की जो लाइट्स है ना वो चेक कर रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। मैं ना देख रही थी कौन सी वाली लाइट यहाँ पे अच्छी लगेगी, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, और ये ऐप है इसकी, तो ये इस तरह से मैं इससे जो है ना वो देखती हूँ, चेक कर लेती हूँ। तो ज़्यादातर तो मैंने आपने देखा ज़रा ब्लू वाइट टाइप की रखी होती है, लेकिन मेरे साथ ना एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों से ज़रा बोर हो जाती हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैं चाह के भी चेंज नहीं कर सकती हूँ, जैसे कि मुझे घर को डेकोरेट करने का इस तरह का बहुत शौक है, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि जब तक आपका पता नहीं होता कि आपने लॉन्ग टर्म में रहना है या कितना रहना है तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए बस मैं कहती हूँ चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें मैं लेती रहती हूँ, क्योंकि दिल लगा रहता है आपका, क्या करें, आप एक जैसी चीज़ से आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, दिल तंग होने लग जाता है आपका कि आप कुछ नया हो, आप कुछ चेंज हो। तो यहाँ पे मैं लाइट्स चेंज कर रही थी और देख रही थी, अच्छा मैंने कहा ऐसे तो समझ नहीं आती है, वीडियो बनाती हूँ, वीडियो में सही पता चलेगा कि कौन सा कलर सही लग रहा है। ये वाले राइस बहुत जल्दी बनते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनते हैं, आपने देखा है कि बस कितना जल्दी जो है ना वो ये सब कुछ हो गया है। मैंने चिकन एयर फ्रायर में रख लिया था और राइस मैंने आज इसमें बनाए हैं, ये वैसे थोड़े से ज़रा सख्त बनते हैं, मैं नरम बनाती हूँ क्योंकि उस्मान को अच्छे नहीं लगते हैं इस तरह से थोड़े से भी हार्ड हो, तो उन्होंने मुझसे भी डबल पकवाने थे कि दोबारा इसको दम दो, तो मैंने कहा मैं पहली बार में ही थोड़े से सॉफ्ट बना लूँ। अच्छा जी चिकन भी रेडी हो गया, साथ मैंने जो है ना वो जो सॉस है वो भी रेडी कर लिया है, वैसे डायरेक्ट ही आप चिली गार्लिक सॉस डाल दें वो भी बड़ी अच्छी लगती है।
और चिकन को मैं काट रही हूँ क्योंकि मेरे पास अभी यही रखा हुआ था, तो इसी को काट के बस मैं राइस के ऊपर डालूंगी और ऊपर मैं सॉस डाल दूंगी। आपने अगर ये वाले राइस ट्राई नहीं किए ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। मेरे ख्याल में लास्ट वीक में मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो बीच बीच में मैं व्लॉग्स कभी बना रही थी कभी नहीं बना रही थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़रूर बनाऊँ। मेरी अपनी भी बहुत प्यारी मेमोरीज़ क्रिएट होती हैं और बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने पुराने व्लॉग्स देखती हूँ, मैं लाहौर के देखती हूँ, इस्लामाबाद के देखती हूँ, इवन कि मैं जब यूके आई थी और वहाँ के जब पहले वाले दिन थे ना वो भी मैं देखती हूँ, मेरे क्वारंटीन के दिन थे, और बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो इतनी प्यारी मेमोरीज बन रही होती हैं ना, आप लोगों को तो पसंद आते ही हैं, थैंक यू सो मच उसके लिए, लेकिन मुझे खुद बहुत पसंद आते हैं। मैं देख रही होती हूँ, बड़ा इंजॉय करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तो बहुत प्यारी मेमोरीज है। मेरे ख्याल में बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे आप सेव करें और जब भी आप मिस करें ना इनको इंजॉय करें, देखें। तो ये देखें जी, राइस रेडी हो गए हैं और उसके साथ अब मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करती हूँ। ये मैंने मंगवाया था ब्लेंडर, तो मैंने कहा चलो आज इसको भी चेक करते हैं। हैंड ब्लेंडर मेरा जो है ना वो एक और रखा हुआ है जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, वो मैं निकालूंगी, लेकिन अभी मैंने स्टोरेज में उसको पैक करके रख दिया था क्योंकि एक था यूज़ हो रहा था, तो मैंने कहा दो दो किचन में क्या रखने हैं। तो पाकिस्तान से मैं लेकर आई थी कि चलो जब तक मैं लूँगी नहीं तो मैं यही यूज़ करूँगी, तो अब वो तो यहाँ वाला तो ख़राब हो गया, तो मैंने कहा चलो आज इसको निकालते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा ये ना मैं बना रही थी एक्चुअली सुबह को नाश्ता, तो आज दिल चाह रहा था, काफ़ी अर्ली मॉर्निंग है, तो मैंने कहा चाय लेट पियेंगे, ऐसा करते हैं शेक बना लेते हैं। अब शेक के लिए ब्लेंडर तो बिल्कुल ही ख़राब हुआ हुआ था, तो ये जो है ना आज मैं यूज़ करने लगी हूँ। ये जब मैंने मंगवाया था इसके बारे में मुझे बहुत ही मिक्स रिव्यूज़ आए थे, कोई कह रहा था ये बहुत अच्छा है, कोई कह रहा था बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने कहा चलो आज मैं भी यूज़ करती हूँ। अच्छा मैं थोड़ा सा मिल्क जो है ना वो गर्म करूँगी, इस वजह से कि दूध बहुत ठंडा होता है और यहाँ पे गला बहुत जल्दी ख़राब होता है। फ्लू तो आप यूँ समझो ना बस हर दूसरे दिन लगता है, आप बिस्तर से निकलते हैं और छींकें और ज़ुकाम फ्लू आपको स्टार्ट हो जाता है ठंड की वजह से, और अगर आप थोड़ा सा ठंडा खा लेते हैं पी लेते हैं तो फिर तो फ़ौरन ही आपका गला ख़राब हो जाता है। तो मैंने हल्का सा दूध को वार्म सा कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था क्योंकि गला फ़ौरन ख़राब होता है यहाँ पे। इवन कि अब तो ये हालात हैं कि जो रात का रखा हुआ पानी होता है ना जो साथ हम रख देते हैं बॉटल में, वो भी आप सुबह पीते हैं, उससे भी गला ख़राब हो जाता है, इतना ठंडा बर्फ़ जैसा पानी होता है। तो इसलिए मैं पानी तो सर्दियों गर्मियों यहाँ पे पानी थोड़ा सा गर्म करके पीती हूँ, और बॉटल वाला अब मैं सोच रही हूँ कि जो दूसरी वाली बॉटल होती है ना उसको निकाल के अब मैं भर के रखूँगी, दोनों की हम दोनों की हैं जो स्टेनलेस स्टील वाली होती हैं, उनको मैं इंशाल्लाह यूज़ करूँगी। अच्छा अब आ जाते हैं इस ब्लेंडर की तरफ कि ये कैसा है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब इसके साथ ये बताऊँ कि ये जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ना, ये नया आया था, मैंने इसको चार्ज नहीं किया, और मैंने जब स्टार्ट किया तो उस्मान का शेक तो इसमें अटक अटक के बन ही गया, लेकिन जब मैं अपना शेक बनाने लगी ना अपने लिए, क्योंकि छोटी सी बॉटल है, तो तब इसकी बैटरी बिल्कुल ही डेड हो गई क्योंकि चार्ज ही नहीं था। तो मैं तो बड़े शौक से ऑन करके यहाँ पे देख रही थी, मैंने कहा चलें आपके साथ भी मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगी, तो रिव्यू तो आज शेयर नहीं हो सकता क्योंकि बैटरी का पता ही नहीं चला, ये बार बार बंद हो रहा था। हाँ ये है कि आप इसको इलेक्ट्रिक से तो बिल्कुल ही कंपेयर नहीं कर सकते, ज़ाहिर है उसमें पावर ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप बिजली का प्रॉब्लम है जैसे पाकिस्तान में लाइट बहुत ज़्यादा जाती है तो तब तो ये बेस्ट चीज़ है, यहाँ पे ऐसे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको वैसे यूज़ करते हैं जैसे कि आप बाहर जाते हैं यूज़ करते हैं, आप घर में यूज़ करते हैं समटाइम बड़े वाले ब्लेंडर निकालने को दिल नहीं चाहता, आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, फिर ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है। लेकिन ये माइंड में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक और इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, वो ज़रा ज़ाहिर है उसमें पावर ज़्यादा होती है, इसमें इतनी पावर तो नहीं होती, थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, लेकिन एंड में रिज़ल्ट आपको वही मिल जाता है। ये देखें जी फाइनली उस्मान के लिए तो शेक रेडी हो गया, मैंने फिर इसको थोड़ी देर चार्ज करके फिर अपने लिए बनाया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।